Wishing you all a very happy Lohri and Makar Sankranti. मेरी आज की रेसिपी मकर संक्रांति और लोहड़ी स्पेशल है। तो आज की रेसिपी में हम चिवड़ा, दही और गुड़ वाले बनाएंगे। हम ये खिचड़ी बनाएंगे अच्छी सी स्वादिष्ट, और मंगौड़े बनाएंगे। गाजर और मूली के अचार की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पॉट लीजिए और उसमें हम चावल नाप के डालेंगे। देखिए मैं कैसे नापती हूँ, हमारे घर में चार लोगों को खाना है तो मैं चार मुट्ठी चावल ले रही हूँ। एक एक करके मैंने चार बार नापा है। और ये मैंने छिलके वाली मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और धुली हुई मूंग की दाल ली है। ये है मेरा मेजरिंग, इसमें हम चारों आराम से खा लेंगे। अच्छे से वॉश करना है, तीन से चार बार, पांच बार भी वॉश करें, अच्छे से वॉश होना चाहिए। उसके बाद हल्दी, नमक, हींग ऐड करना है इसमें। आधा चम्मच काले तिल भी हम डालेंगे, मकर संक्रांति है तो हमारे यहाँ काला तिल भी डाला जाता है, तो वो डाल के बनाएंगे। अब गैस को ऑन करें, पॉट चढ़ा लें, एक अच्छा मिक्स दें और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दें और कवर करके उसे पकने दें। तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम दही चिवड़ा बना लेंगे। तो यहाँ मैंने चिवड़ा लिया है, इसको अच्छे से वॉश किया है चार से पांच बार। अच्छे से जब ये साफ़ हो गया है फिर 10 से 15 मिनट इसे रख देना है, पानी निकाल के रखना है। पानी अच्छे से छान लें फिर रखें। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छा सा खिला खिला सा चिवड़ा हमारा तैयार है। इसको हम दही में मिक्स करेंगे। जिस भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें हिसाब से अपना लें। चिवड़ा डाल दिया, ये मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, उसको इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल है और फटाफट बन जाता है और खाने में मेरे ख्याल से बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब क्या कहूँ इसके बारे में, मेरी फेवरेट रेसिपी है ये दही चिवड़ा और गुड़। इसको एक अच्छा मिक्स देंगे हम। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको कवर करके एक तरफ रख देंगे हम। अब हम मंगौड़े बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो ये मैंने भिगोई हुई मूंग की दाल ली है, इसको 2 घंटे पहले मैंने अच्छे से साफ करके भिगो दिया था। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। यहाँ पे सूखे लाल मिर्च लिए हैं मैंने, मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, थोड़ा सा हींग लिया है और स्वादानुसार नमक डालेंगे, हरी मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से पीस लेना है। इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा और कटी हुई हरी प्याज लेनी है। ये हरी प्याज ढेर सारी डालनी है इसमें, लगभग 1 पाव के करीब मैंने इसमें डाला हुआ है। इसको काट लें छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर इसमें मिक्स करें। इसको एक अच्छा मिक्स दें। ये तीनों रेसिपी मेरी बहुत बनाने में बहुत ही इजी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब इसको तैयार करके रख लिया है। थोड़ा सा खिचड़ी को हम बीच में चेक करेंगे, चलाएंगे, हिलाएंगे थोड़ा और वापस से इसे कवर करके छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रहेगी, उसको तेज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें तेल डालें, मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं। मस्टर्ड ऑयल में पकौड़े बहुत अच्छे छनते हैं, तो इसमें जो मंगौड़े हम फ्राई करेंगे उनका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब मंगौड़े का बैटर तो तैयार कर लिया था, बस स्पून से निकालते जाएं और डालते जाएं।
ये नीचे से जब पक जाए अच्छे से, गुलाबी हो जाए, तभी हमें पलटना है, उसके पहले नहीं पलटना। नीचे से पक चुका है इसलिए अब मैं पलट रही हूँ इसे। ये अंदर से फूले फूले फ्लफी से क्रिस्पी मंगौड़े होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये दोनों तरफ से जब अच्छी तरह से सिक जाए तभी इसको निकालना है, पलटते पलटते हुए चलाएं। ये मंगौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे हम। अब वापस खिचड़ी को चेक करेंगे, खिचड़ी लगभग पकने वाली है हमारे, अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ेंगे हम। वापस से चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे खिचड़ी पक के तैयार है। अब टाइम है तड़का तैयार करने का। ये अच्छे से खदक गई है खिचड़ी हमारी। पानी इसमें मैंने लगभग आधा डाला था, आधा जो हमारा बाउल है उतना डाला था। अब जो है तड़का तैयार करेंगे, तो सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लें, उसमें घी गरम करें, हींग के टुकड़े डालें, यहाँ लहसुन और मिर्ची ली है मैंने, उसको डालेंगे। थोड़ा जीरा डालें, जीरा अच्छे से देख लें, इसी को जीरा बोलते हैं। जीरा हो जाए और लहसुन हल्का गुलाबी होने लगे तो गैस को ऑफ कर देना है। ये लाल मिर्ची तुरंत मत डाल दीजिएगा, नहीं जल के काली हो जाएगी। गैस को ऑफ कर दीजिए, थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर उसमें लाल मिर्ची ऐड करिए। ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। तो अब बारी है सर्विंग की, तो सर्व करते हैं हम। मकर संक्रांति है तो स्पेशल तरीके से सर्व करेंगे, ताकि खाने वालों को भी थोड़ा उत्साह बना रहे और अच्छे से इंजॉय करते हुए खाएं कि हाँ स्पेशल डे है और कुछ स्पेशल चीज़ें सर्व करी जा रही हैं हमें। ये खिचड़ी के ऊपर हम तड़का डालेंगे। खिचड़ी में तड़का हमेशा अलग से डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जितने लोगों को सर्व करें ऊपर से डालें उसमें। चिवड़ा दही, काफ़ी सारी जगहों पे इसे पोहा दही बोलते हैं, चूड़ा दही बोलते हैं, चिवड़ा दही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अब आप समझ जाइएगा। ये हमारी खाने की सुंदर सी और स्वादिष्ट प्लेट सज गई है। ऊपर से हल्का सा रोस्टेड काला तिल डालें, कटे हुए प्याज के लच्छे डालें और अपना खाना एंजॉय करें। तो ये रही मेरी मकर संक्रांति और लोहड़ी की गर्मा गर्म स्वादिष्ट रेसिपी। चलिए फिर मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। थैंक यू सो मच।